जब सपने देखेंगे हजार मुसीबतें आएंगी, एक दिन वो हसीन मंजर भी आएगा जब सफलता शोर मचाएगी। नमस्कार, आज फिर हम लोग वेक्टर रेजोल्यूशन के इस अध्याय में साथ साथ कुछ सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि वेक्टर का रेजोल्यूशन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन में कैसे होता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए सिस्टमेटिक वे में हम लोग ये देखेंगे कि वेक्टर को थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे तोड़ते हैं। पहले तो ये बातें फिर से रिकैप कर दें हम आपको कि एक वेक्टर आर लिया था, प्लेन में हमने एक्स और वाई की बात की थी, और यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करके हम आर वेक्टर डिफाइन किए थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, जहाँ पर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और जो एंगल थीटा बना उसका टेन ऑफ दैट आर वाई बाय आर एक्स हुआ। यहाँ पर आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आप ऐसा ट्रायंगल से भी देख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एक कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एक कंपोनेंट है आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर मान लीजिए कि आपने आर एक्स को फिलहाल डिनोट कर दिया है आर कॉस थीटा से, और इस तरफ जो आर वाई का कंपोनेंट है यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, ये आर वाई को आपने डिनोट कर दिया है आर साइन थीटा से, ये सब कंपोनेंट पहले हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ी सी एक और बात, अगर हम यहाँ पर इस एंगल को अल्फ़ा माने, ओके, तो ये एंगल जो है बेसिकली ये 90 माइनस थीटा होगा, इसको आप बीटा मान लीजिए, ऑब्वियस है। तब यहाँ पर आप अगर प्लेस करेंगे थीटा को, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आर साइन, ओके, 90 माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, मतलब क्या है कि ये आर कॉस बीटा जैसा हो जाएगा। यानी अगर हम आर एक्स को अगर एंगल अल्फ़ा माने हैं तो यहाँ आर कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, और अगर वाई एक्सिस से एंगल बीटा है तो वो जो साइन वाला कंपोनेंट है फिर कन्वर्ट हो जाता है कॉस के कंपोनेंट में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस बीटा। ओके, ऐसा मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे के साथ लिंक है, ओके, और ये लिंकिंग हम लोग देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, और ड्रॉ करने के बाद इस बार एक्स एक्सिस हम इस तरह से चूज किए हैं एक्स वाई और जेड, आप चाहें तो इस ओरिएंटेशन में भी चूज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप देखिए एक वेक्टर, हम रिजल्टेंट वेक्टर आर की बात जो कर रहे थे उस वेक्टर को ले लेते हैं, ये हमारा आर वेक्टर है। ओके, अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में बात करें, ओके, तो ये आर वेक्टर कुछ ऐसा है, आप अगर देखेंगे तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में आर वेक्टर कुछ ऐसा है, ये रेड थ्रेड जो है वो आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इसी को दूसरे ओरिएंटेशन में हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये कुछ इस तरह से है आर वेक्टर। ओके, अभी हम अगर एक्सिस की बात करें, एक कॉर्नर एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस ले लें, तो हर एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल बन रहा है इसका, और उस एंगल्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लें, है ना। अगर हम एक्स के साथ एंगल अल्फ़ा ले लें, एक्चुअली थ्री डायमेंशनल है इसलिए देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको, ये एंगल अगर हम अल्फ़ा ले लें, वाई के साथ जो एंगल है उसको हम बीटा, जैसा कि हम दिखाए हैं यहाँ पर, इससे हमको फ़ायदा होगा कि दो कंपोनेंट के वैल्यूज हमको ऑलरेडी मिल जाएंगे, और तीसरा जेड से इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है उसको गामा ले लीजिए। स्पेस में तीन एंगल आपको यहाँ पर मिल गए, वेल बढ़िया है। अभी आपको रिजल्टेंट दिखाना है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम इस वेक्टर की बात करते हैं ऐसा है, तो इसका तीन कंपोनेंट होगा। अगर तीनों कंपोनेंट दिखाना चाहें तो मान लीजिए कि ये हमारा एक्स कंपोनेंट है, ये हमारा उसका दूसरा कंपोनेंट, ओके, दैट इज वाई कंपोनेंट है, और ये हमारा तीसरा कंपोनेंट, दैट इज इसका जेड कंपोनेंट है। बारी बारी से हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, चलिए, ऐसे बोर्ड पे ये उतना क्लियर नहीं होगा जितना हमने इस बॉक्स में दिखाया आपको,
तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो बेसिकली आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, जो ऑब्वियसली आर एक्स मैग्नीट्यूड का होगा। और इसी तरह से अगर हम चलें तो हमारे पास इसका दूसरा कंपोनेंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, और ये कंपोनेंट आपको बेसिकली वाई एक्सिस वाला होगा। ओके, थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर लिया जाए, ये कुछ ऐसे दिखेगा वाई एक्सिस के साथ। हमारे पास ये कंपोनेंट आर वाई हो गया। अब इस दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। ओके, जैसा कि मैं दिखा भी रहा था आपको कि अगर आपको एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पर मिला हुआ है, ओके, आपको वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये भी मिला हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच वाले एक्सिस मीन्स कुछ ऐसा होगा, ऐसा आप दिखा सकते हैं। ओके, चलो आप इसी को दिखा लेते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट जहाँ पर दोनों का हेड मिल रहा है वहाँ पर मिलेगा, और ये हमारा रिजल्टेंट आपको क्या हो गया, दैट इज आप मान लो कि ये r प्राइम वेक्टर है। चलो आप r प्राइम वेक्टर की बात कर लेते हैं। r प्राइम वेक्टर कितना होगा, इस सेंटर को O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको फ़िलहाल हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑबियस है कि यहाँ पर कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, आप कोई पॉइंट मान सकते हैं। फिलहाल आपको ट्रायंगल लॉ से दिख जाएगा, ट्रायंगल लॉ अगर आप यूज करना चाहें, मान लीजिए कि दिस इज़ N पॉइंट मान लेते हैं, तो जो ओ एन वेक्टर है वो आपको एक तरफ से है ना, आपको ये पार्ट और दूसरी तरफ से ये पार्ट, तो ये आपको एक तरफ से ओ ए वैक्टर के बराबर प्लस दूसरी तरफ से ओ बी वैक्टर के बराबर, इसको चेक कर लीजिए आप, क्योंकि अगर ये आपका ओके ओ ए वैक्टर है तो ओबियस है कि बी एन भी ओ ए वैक्टर के इक्वल ही होगा। ओ ए वैक्टर की बात करें तो ओ ए वैक्टर हमारे पास हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस ओ बी वैक्टर जो हो जाएगा आर वाई जे कैप। ओके, ये हमारे पास r प्राइम वेक्टर की बात हो गई। अब चलिए नेक्स्ट जो थर्ड ज्वाइन करना है वो z एक्सिस की तरफ, अभी दिखाया ही था मैंने, वो इस तरह से कुछ जाएगा और आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए कि c है। अब देखिए आप अगर लिखना चाहें ओ सी वैक्टर, तो ओ सी वैक्टर आप लिखेंगे, फिलहाल एक बात और ध्यान से देखेंगे कि जब ये दोनों वेक्टर ऐड हो गया तो अब इसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आर डैश वेक्टर ही बचेगा। तो आप उसको लिखेंगे ओ सी वैक्टर आर डैश वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर। ओके, जो कि आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आर डैश मीन्स ओ ए वैक्टर प्लस दूसरा है क्या ओ बी वैक्टर प्लस तीसरा क्या हो गया एन सी वैक्टर। ओके, ये कंपोनेंट जो है जेड की तरफ है, इसलिए इसको हम आर जेड से डिनोट करते हैं। और तब ओ ए आपने लिखा था आर एक्स आई कैप, यहाँ पर लिखा था आर वाई जे कैप, इस दोनों का वैल्यू, और एन सी जो हो जाएगा वो आपके पास आर जेड के कैप हो जाएगा। ओके, और ये ओ सी वैक्टर आपको दिख रहा है क्या हो गया, ये आर वैक्टर हो गया। यानी r वेक्टर को थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, रही बात मैग्नीट्यूड की, तो थोड़ी सी बात यहाँ से मैग्नीट्यूड से समझ लें। अगर इस जगह से हम r डैस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो देख लीजिए, अंडर रूट, जैसे यहाँ भी निकाला हुआ है, क्या है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर हम r वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स इट इज़ इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट। ओके, सबसे पहले r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो पार्ट आया ओ, और उसका स्क्वायर मीन्स यहाँ पर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा, प्लस एन सी जो है आर जेड के कैप है,
इसका स्क्वायर मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, आर जेड का स्क्वायर। ये आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया, मीन्स थ्री डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, तोड़ने का तरीका कुछ ऐसा है। अब हमारे पास यहाँ जो आया था कंपोनेंट, उसकी बात कर लें। ओके, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक कंपोनेंट आर एक्स, आर कॉस अल्फ़ा, वो जो एक्स के साथ एंगल है, अल्फ़ा लिया है। आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, ओके, वाई के साथ एंगल आपने बीटा लिया है। तो सिमिलरली अगर आप आर जेड इज इक्वल टू लिखेंगे तो आर कॉस गामा ये लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, बट यहाँ पर अब टेन थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, यहाँ पर जब आप थ्री डायमेंशन में बात करते हैं तो टू डायमेंशन में आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। जब यही चीज़ थ्री डायमेंशन में चलेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आपके पास वन। अब देखिए, ये तीनों जो आपके पास हैं, यहाँ से आप कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल लीजिए और पुट कर लीजिए। कॉस अल्फ़ा जो होगा आपके पास आर एक्स बाय आर होल स्क्वायर प्लस ये आर वाई बाय आर होल स्क्वायर प्लस आर जेड बाय आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं सॉल्व करके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, या अगर इसका स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट दैट मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो यहाँ पर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल ही जाएगा। ओके, बात कर रहे थे एंगल की, डायरेक्शन की, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन पार्टिकुलर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हम लोग को एक क्वांटिटी मिलेगा जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये तीनों डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में बता देगा हमको रिजल्ट। जैसे अगर आप यहाँ से लिख रहे थे कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आर एक्स बाय आर, ये एक डायरेक्शन कोसाइन हुआ, इससे आपको अल्फ़ा निकल सकता है, एक्स एक्सिस के साथ का एंगल निकल सकता है। कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर, ये दूसरा, और तीसरा है कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड बाय आर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार सारी चीज़ों को रिकैप कर देता हूँ। मैंने अभी बताया था कि ये जो वेक्टर आपको ब्रेक करना है, ये वेक्टर आपका ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, ये प्लेन पे हो जाएगा। प्लेन पे हो जाएगा तो फिर आर एक्स और आर वाई में ही केवल तोड़ना होगा, या आप चाहें तो इस तरह से दिखाना चाहें तो ये भी वेक्टर नहीं है। अगर आप ऐसे डायगोनल दिखाना चाहते हैं तो ये भी वेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये एक्चुअली ए डायगोनल ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड है जो इस तरह से दिख रहा है, और इस तरह से होने के कारण इसके तीन एंगल आपको तीनों तरफ से दिख रहे होंगे, एक एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों कॉर्नर को मान लें तो वहाँ से एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा ले सकते हैं। अब मैंने बोला कि ये आपका रिजल्टेंट वाला पार्ट हो गया। अब ये आया कैसे? ओके, तो इसमें एक कंपोनेंट इधर एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो एक्स के तरफ होगा, इसमें एक दूसरा कंपोनेंट आप बोल सकते हो वाई के तरफ भी होगा। ओके, और सबसे पहले हम एक्स और वाई का रिजल्टेंट निकालेंगे। एक्स और वाई का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ से एक ये रख देते हैं, और जैसे ही एक्स और वाई का रिजल्टेंट मतलब आर डैश हमारा आ गया, हम इस दोनों को हटा लेंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, ये रिजल्टेंट में ऑलरेडी आ चुका है। अब हमको इस वेक्टर को ज्वाइन करना है, और तीसरा वेक्टर जो है हमारा जेड एक्सिस की तरफ है, इस तरह से है, इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। और जब ये दोनों भी ज्वाइन हो गया, जैसे मैंने दिखाया आर डैश वेक्टर और एन सी वेक्टर ज्वाइन कर दिया, तो फाइनली आपको ये आर वेक्टर मिल गया। सो यही वेक्टर जो है
उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया और सारे कंपोनेंट आपको मालूम हो गए। इन कंपोनेंट्स को देखने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी नज़र आएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बर्ड का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें, देखो कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है ऐसा कि हम लोग जनरली किस तरह से नॉर्थ साउथ लेते हैं, ऐसा है ना, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब इसमें वर्टिकल दिखाना है तो वर्टिकल दिखाना हमारे लिए दिक्कत है, वर्टिकल हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको बोर्ड पे एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके कुछ ऐसा बनाते हैं। ये चॉइस, ये डायग्राम्स सब हमारे हिसाब से हो सकता है, अगर हम इसको मैनिपुलेट करना चाहें तो। हमने कुछ ऐसा बनाया, ओके, और इस तरह से बनाने के बाद से हमने मार्क किया, चलो एक्स यहाँ पर, ये वाई और ये जेड। ऑब्वियस है कि ये वाई डैश एक्सिस होगा, ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस होगा और एक आपको इधर नीचे की तरफ जेड डैश एक्सिस भी होगा अगर निगेटिव होने पे। तो क्वेश्चन में जैसा बोला कि ईस्ट लेना है, ऑब्वियस है अगर ये नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, ओके, ये साउथ होगा, ओके, और ये वेस्ट होगा और ये आपका वर्टिकल हो गया। हाँ, क्वेश्चन का सेंस समझना है। अब इसमें क्या है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, ध्यान देंगे। सो यहाँ पर कुछ थ्री डायमेंशनल फिर से व्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरह से ले लिए हैं तो बर्ड का मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है, अगर ईस्ट है तो ईस्ट के साथ 60 और वर्टिकल के साथ भी 60, ओके। यहाँ पर मूवमेंट को कुछ मैं ऐसा दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको देख लेना पड़ेगा। यही है वेलोसिटी, ये 20 मीटर पर सेकेंड जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ का एंगल को गामा माने थे। ये भी एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और अभी वाई एक्सिस के साथ के एंगल को बीटा माने थे। आपको ये एंगल नहीं गिवन है, दैट इज अल्फ़ा। तो सबसे पहले सारे कंपोनेंट दिखाने के लिए आपको अल्फ़ा चाहिए होगा। एज यहाँ पर आपने मार्क किया हुआ है, देख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो आपको करना क्या है, अब सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं। दो एंगल तो मालूम है, कॉस अल्फ़ा नहीं मालूम था, चलिए कॉस अल्फ़ा को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा 60 है तो कॉस स्क्वायर बीटा 1/4 हो जाएगा, गामा भी 60 है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, यानी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखिए, वेलोसिटी अगर आपको दिखाना है तो वेलोसिटी वेक्टर दिखाने के लिए आपको वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप के फॉर्म में दिखाना चाहिए। अभी यहाँ पर वी एक्स जो होगा वी कॉस अल्फ़ा होगा, यहाँ पर वी कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस वी कॉस बीटा जे कैप प्लस वी कॉस गामा के कैप। अब आप यहाँ पर, ये तो 20 हो गया, कॉस अल्फ़ा आपने 1/√2 निकाला है आई कैप, प्लस यहाँ पर भी वेलोसिटी 20, कॉस बीटा 1/4 वहाँ आया हुआ है, सॉरी 1/2 स्क्वायर था तो 1/4 था, प्लस यहाँ भी 20 और ये फिर से 1/2 के कैप। सो सब कुछ आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये 10√2 आई कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आपको मिला। फिर मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो 20 ये आ जाएगा, चेक करके देख लीजिए। एक और बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये जो आई कैप जे कैप के कैप आया है, इस डायग्राम के रेफरेंस में आया है। अगर आपने इसके डायग्राम को चेंज कर दिया होता तो इसके डायग्राम को चेंज करने के बाद इसका जो आई कैप के साथ कोफिशियंट है, जे कैप के साथ कोफिशियंट है, के कैप के साथ कोफिशियंट है, वो चेंज हो जाएगा,
क्योंकि उस केस में आप कोऑर्डिनेट अलग चूज कर रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लें, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं, जैसा अभी चूज किया था उसी तरह से हमारे पास, चलो आप एक्स इसी को ले लेते हैं, वाई और जेड। जैसा कि पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट इसका आपको दिया हुआ है 1, 2, -1, और यहाँ पर कोई पॉइंट है वो बी है, वो उसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये बी का कोऑर्डिनेट 3, 2, 2 दिया हुआ है, तो 3, 2 और 2 आपको ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर मतलब ये वेक्टर होगा। सो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। ओके, एक वेक्टर आपको मिल गया। अब यहाँ पर अगर आपको ओ ए वेक्टर लिखना है तो ओ ए वेक्टर कितना लिखेंगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से? कोऑर्डिनेट को हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर को भी कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स आपको 1 है, वाई 2 है, जेड -1 है, तो उसके हिसाब से कोई भी वेक्टर, जैसे कंपोनेंट आप लिख रहे थे, यहाँ पर ओ ए वेक्टर कोई भी नाम हो, यहाँ पर 1 × i प्लस 2 × j माइनस 1 × k। और इसी तरह से दूसरा वेक्टर आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, ये आपको कौन सा ओ वी वेक्टर हो गया, ये कितना होगा? तो ये 3 × i, ओके, प्लस 2 × j माइनस, सॉरी, प्लस 2 × k। अब देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर, ओ बी रिजल्टेंट हो जाएगा। एरो देखिए, इनिशियल फाइनल का जो ज्वाइनिंग है उसके हिसाब से, तो आप ए बी वैक्टर यहाँ से क्या लिखेंगे? ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद से आपको कुछ रिजल्ट आ जाएगा, चेक कर लीजिए। ओके, 3 × 1 2 i, 2 j, 2 j कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 i और 2 k और प्लस k 3 k हो जाएगा, ये ओ ए वैक्टर आपको मिल गया। अब आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉडुलस अंडर रूट कोफिशियंट ऑफ i का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ k का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9 अंडर रूट 13। ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन आपके हिसाब से आसानी से हो गया। जब आपने ये सीख लिया तो एक और चीज़ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं आप। इसके बाद हम एक और टॉपिक देख सकते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर में क्या है कि पहले ट्रायंगल लॉ हो, पैरेललोग्राम लॉ हो, उससे दो वेक्टर ही एट ए टाइम जोड़ पा रहे थे। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हमको एट ए टाइम प्रोवाइडेड कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि जोड़िए, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती थी। अगर वही चीज़ हम यहाँ पर 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट कर लें और फिर जोड़ने की कोशिश करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमको ए वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास ए एक्स, उसका आई कैप, ए वाई ओबीएस जे कैप, ए जेड के कैप, ये 3 कंपोनेंट होंगे। अच्छा, कहीं कहीं हो सकता है किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट ना हो, किसी का जेड ना हो, तो जो ना रहे उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, वो नहीं है तो नहीं है, होगा तो उसकी बात करेंगे, उसको जोड़ेंगे। ओके, उसी तरह से हमारे पास अगर बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी 3 कंपोनेंट इसका हो सकता है, अगर स्पेस में देखें जो कंपोनेंट नहीं होगा उसका कोफिशियंट जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह से सी वेक्टर, ओके, ये आपको सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप। अब आपको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट मीन्स सम ऑफ 3 वेक्टर्स। ये वेक्टर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर चाहिए।
अगर यही चीज़ हमको ट्रायंगल लॉ से बोला जाता तो पहले एक को बी के साथ जोड़ते, फिर उसका रिजल्टेंट जैसे अभी दिखा भी रहा था उसको सी के साथ जोड़ते। अगर आपको ये फॉर्मेट मालूम है तो आप देखिए इसको आसानी से, आई कैप वाले सभी एक साथ जोड़ दीजिए, मीन्स आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इंटू आई कैप, प्लस आप एक काम कीजिए जे कैप वाले सबको एक साथ जोड़ दीजिए। जे कैप में क्या है, ए वाई बी वाई और सी वाई, और बाद में के कैप वाले सबको एक साथ जोड़ दीजिए, आपके पास ए जेड बी जेड प्लस सी जेड, ये रिजल्टेंट आपको आ गया। ऑब्वियस है कि ए एक्स बी एक्स सी एक्स कोई नंबर है, नंबर का सम एक नंबर ही आएगा। और इस तरह से आपको सिंगल फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस का टोटल मैग्नीट्यूड है तो आप इसको आर एक्स आई कैप, और ये वाई एक्सिस का है आर वाई जे कैप, और ये जेड एक्सिस का है आर जेड के कैप इज इक्वल टू आर वैक्टर। सो जितने भी वैक्टर आपको दे दिए जाएँ आप उसको एट ए टाइम जोड़ सकते हो अगर इस तरह का टेक्निक यूज किए तो। जैसे कि एक्शन आपको देख लीजिए दिखाया जा रहा है, ओके दो वेक्टर आपको हैं ए और बी, उस दोनों वेक्टर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप, बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप एक बार देख लीजिए फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कैप देना थोड़ा मुश्किल है, बट आप यहाँ पर मान लेंगे कि के कैप है, कैप सब में लगा हुआ है। मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ उसको थोड़ा सा एक बार अपने हिसाब से पढ़िएगा। अब इसके रिजल्टेंट के पैरेलल आपको फैक्टर फाइंड करना है, ओके यूनिट फैक्टर फाइंड करना है। एक बात आपको मालूम है कि अगर हम कोई फैक्टर लिख रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है कुछ ऐसा होता है, और अगर हम आर कैप वेक्टर निकाल लें तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो आपको रिजल्टेंट के तरफ होगा, तो उसके हिसाब से आप इसको आर वेक्टर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आर फाइंड करना है, ओके मैंने पहले ही बताया कि अगर आर फाइंड करना है तो आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको सिर्फ सबके कोफिशियंट जोड़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख लो 2i कैप और 4i कैप, ये 6i कैप, आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस 3 j कैप, और वहाँ पर जोड़ दिया ओके दोनों माइनस है तो आपको 4k कैप हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने की बात है तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये r के बराबर होता है, अभी हम बताएं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आर एक्स का स्क्वायर मीन्स कोफिशियंट ऑफ i कैप का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ओके कोफिशियंट का होल स्क्वायर माइनस थ्री कोफिशियंट है, यहाँ पर माइनस थ्री का होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ भी माइनस फोर कोफिशियंट है माइनस फोर का होल स्क्वायर 16, इसको जोड़ देंगे ओके तो ये कुछ 61 आना चाहिए, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो देख लेंगे। अभी आर कैप आपको निकालना था तो आर कैप निकालने के लिए कुछ नहीं, आर का वैल्यू लिख लीजिए 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और अब आप एक काम कीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए आर के मैग्नीट्यूड से मीन्स रूट 61 से, ये आपको यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। सो इस तरह से आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में भी वेक्टर के कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये जब रिजोल्यूशन आप सीख लेंगे तो आपको वेक्टर की डीलिंग काफ़ी आसान हो जाएगी।